इंदौर पुलिस ने अंधी कत्ल का पर्दाफाश कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का कारण महज 2500 रुपए का लेन देन बताया जा रहा है। दोनों आरोपी हत्या करने के बाद गुजरात भाग गए थे। पुलिस ने आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से मृतक के सोने की चेन और मोबाइल बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि एरोड्रम थाना क्षेत्र के तिरुमला टाउनशिप के पीछे खाली पड़े मैदान में 8 अप्रैल को मृतक अजय शर्मा का शव मिला। आरोपियों ने पहले अजय का गला दबाया और उसके बाद ईंट से सर कुचल कर उसकी हत्या कर दी। जांच में यह बात स्पष्ट हुई है कि उधारी के पैसे को लेन देन को लेकर के मृतक से उनका विवाद था। मृतक को घटना दिनांक को भी अर्थात 7 तारीख की रात्रि में यह इसी उद्देश्य से उस स्थान पर जहां पर कि उसका शव पाया गया है वहां पर बुलाए थे। वहां इनके बीच बहस हुई पैसे को लेन देन को लेके, क्योंकि मृतक के ऊपर उधारियाँ थीं इन दोनों की और वह देने की स्थिति में नहीं था और वो और भी पैसा मांग रहा था। इसी बात को लेके आवेश और आक्रोश का वातावरण इनके बीच बना और तब दोनों ही व्यक्तियों के द्वारा मृतक का गला साफी से उसका दबा करके उसे अचेत कर दिया और बाद में उसको घटना स्थल पर डालकर उसके चेहरे पर ईंट वगैरह से प्रहार किए जिससे कि उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। आरोपियों के द्वारा मृतक के गले में पहनी हुई जो चेन थी सोने की चेन वह भी अपने पास रख ली गई। आरोपियों ने मृतक के मोबाइल को ले जा करके तोड़ के फेंक दिया। उक्त चेन भी आरोपियों से पुलिस ने बरामद कर ली है।